आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। और आज मैं YouTube की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ, मोनेटाइजेशन के प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है डुप्लीकेट एडसेंस की प्रॉब्लम। जब भी आप YouTube पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जब ये स्टेप टू होता है जिसमें आपको ना एडसेंस का अकाउंट लिंक करना होता है YouTube से, तो इसमें कभी कभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसमें ये आपके ईमेल पे भी प्रॉब्लम मेंशन करेंगे और यहाँ पे भी आई हुई है। इसमें बता रहे हैं योर एसोसिएटेड एड सेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट वॉज डिसअप्रूव्ड, और डिसअप्रूव के लिए कह रहे हैं दिस मे बी ड्यू टू एन एक्सिस्टिंग अकाउंट। अभी एक्सिस्टिंग अकाउंट का इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट एडसेंस अकाउंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गूगल एडसेंस होता है वो पर्सन को एक ही एडसेंस अकाउंट मतलब अलाउ करता है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं दूसरे एडसेंस अकाउंट के अपना नाम वाम बदल दूंगा तो चल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड्रेस अगर सेम होगा तो भी आपका मतलब डुप्लीकेट एडसेंस की प्रॉब्लम आएगी, और नाम भी अगर सेम होगा तो भी आएगी। आपके दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए, नाम एड्रेस वगैरह बिल्कुल, मकान नंबर वगैरह सब अलग होना चाहिए, नहीं तो ये बार 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 डिसअप्रूव करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब डुप्लीकेट एडसेंस अकाउंट को आपको कैसे ठीक करना होगा, अब जो आपका जो दूसरा एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है उसको आपको क्लोज करना होगा, ठीक है ना। तो मैं आज आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको क्लोज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ दबाएंगे गूगल एडसेंस लॉगिन, ठीक है। यहाँ दबाऊंगा, यहाँ मैं दबाऊंगा एडसेंस फॉर यूट्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वही मतलब वही वाली बात लिखी हुई है कि मेरा एक गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। यही कह रहे हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी अकाउंट है इस एड्रेस से, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो हमें अब क्या करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये अकाउंट डिलीट कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ अकाउंट पर जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पे, इसके बाद हम जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, एक सेकेंड, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, इस पर नीचे नीचे आएंगे और यहाँ दबाएंगे क्लोज अकाउंट, नीचे आएंगे और यहाँ दोनों ही चुनूंगा मैं, मुझे एडसेंस बिल्कुल ही बंद करना है। ठीक है, और दबा दूंगा यहाँ मैं क्लोज माई अकाउंट। अब यह देख सकते हैं जो हमारा ये गूगल एडसेंस का अकाउंट है, ये जो डुप्लीकेट वाला बना था, मतलब एक और बना दिया था, ये अब सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब आप इस मतलब जो ये आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट होगा, आपसे दोबारा कभी लॉगिन नहीं करेंगे। लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। अब ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें कि मैं चेक करूँ एक बार लॉगिन करके बंद हो गया है कि नहीं, अगर आप लॉगिन करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। उन्होंने साफ बोल दिया है कि आपका जो अकाउंट है क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो हमारा एक एडसेंस का अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो हमें इसे ऐसे बंद कर देना है। अब जो आपका यूट्यूब का अकाउंट है जो अदर देन एक्स्ट्रा है, आप उससे अपना यहाँ पर नया अकाउंट डाल सकते हैं। मुझे ईमेल भी आ गया है कि मेरा एडसेंस का अकाउंट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें दूसरा यूट्यूब का अकाउंट ऐड करूँगा अपना, मतलब मेरा एक और चैनल है जो मोनेटाइज है, तो उसके एडसेंस में इसी में डालूंगा। तो यहाँ दबाऊंगा चेंज एसोसिएशन, यहाँ दबाऊंगा प्रोसीड। पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट दबा देंगे। वेरिफिकेशन कर लें, फोन पे करें वेरीफाई, कर लेते हैं, कर लिया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो हाँ मैं अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट अब यूज़ करूँगा, नया वाला नहीं। यस आई हैव एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, ठीक है, और यहाँ दबाऊँगा कंटिन्यू। और इस बार क्या करूँगा, अपना जो मेरे पहले वाला एडसेंस अकाउंट है ना, मैंने पहले बनाया था, ये तो बंद कर दिया मैंने ये वाला, ठीक है, इससे लॉगिन कर लेता हूँ मैं। अब मेरे दोनों चैनलों के लिए एक ही एडसेंस काम करेगा, ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। ये सब मेरी डिटेल्स आ गई एडसेंस अकाउंट के, मैं दबाऊंगा कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ दबाएंगे सेटअप अकाउंट,
दबाएंगे रीडायरेक्ट टू यूट्यूब। और लोड हो रहा है, वेट करेंगे, देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा एडसेंस के लिए साइन अप सक्सेसफुल हो गया है, काफ़ी खुशी की बात है, हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।